नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं विनिश न्यूज। आज योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश की कद्दावर नेताओं में से माने जाते हैं। उनके बारे में ज्यादातर बातें सब जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको उनके बारे में कुछ ऐसी कहानियां बताऊंगी जिससे आप परिचित नहीं होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बात 2 साल पुरानी है, जब एक मासूम के साथ सवाल जवाब के दौरान योगी काफी भावुक हो गए थे। गोरखनाथ मंदिर में योगी लोगों की समस्या सुन रहे थे, तभी एक 9 साल का बालक उनके पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। योगी ने उसे पास बुलाया और पूछा कि क्या हुआ, तो उस बालक ने बताया कि मैं रामलीला मैदान के पास रहता हूँ। माँ ने सामान खरीदने के लिए पैसे दिए थे, उसमें से 90 रुपए का बैडमिंटन और शटल कॉक ले आया। घर पहुँचा तो माँ ने डांट कर पैसे वापस लाने को कहा। दुकानदार के पास पहुँचा तो उसने गाली देकर भगा दिया। मैं पुलिस अंकल के पास भी गया तो उन्होंने मुझे मेरी बात सुनकर हंसते हुए उन्होंने कहा कि योगी दरबार पे जाओ। बालक की बात सुनकर योगी की भी हंसी छूट गई और उससे बोले कि बताओ किसे सजा दिलानी चाहिए, दुकानदार को या पुलिस को। बालक ने कहा कि नहीं, सजा नहीं दिलानी, बस मुझे 90 रुपया वापस चाहिए ताकि मैं अपनी माँ को दे दूँ और माँ मुझे घर में घुसने दे। इस पर योगी ने अपने कर्मचारी को कहा कि बालक को 90 रुपए दे दे, जिसे लेकर बालक हंसता हुआ चला गया। योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई दूसरी कहानी इस तरह है। योगी के यूपी के मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद उनको लेकर जारी चर्चाओं के बीच एक चर्चा उनके मुस्लिम विरोध की भी थी, लेकिन गहराई से आदित्यनाथ की शख्सियत और उनसे जुड़े लोगों की निगाह डाले तो ये तमाम बातें निराधार नजर आती है। आदित्यनाथ जिस गोरक्षक पीठ के महंत है और जिस गोरखनाथ मंदिर के वो मुखिया है, उसके अहाते में ही दर्जनों मुस्लिम परिवार दशकों से बेखौफ होकर अपना व्यापार कर रहे हैं। एक दूसरे से सटे हिंदू और मुस्लिमों की दुकान में भी किसी तरह का विरोध नजर नहीं आता। इसके अलावा योगी के साथ जुड़े उनके सहयोगियों में से कई मुस्लिम भी हैं। योगी जिस अपनी मदद के लिए जिस युवक को हर समय अपने साथ रखते हैं, जावेद नाम का वो युवक भी मुस्लिम है। मीडिया में फिलहाल उनके आश्रम में 400 गायों को पालने की भी खूब चर्चा है। खास बात यह है कि इन गायों को देखभाल की जिम्मेदारी इनायतुल्लाह और उनके बेटे मान मोहम्मद की है, जो पूरे दिन उनकी सेवाओं में लगे रहते हैं, और आप नाम से समझ गए होंगे कि ये भी मुस्लिम है। तो ये थी योगी आदित्यनाथ से जुड़ी कुछ कहानियां जिसे शायद आप परिचित थे या नहीं थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विनिश न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।